गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रबंध की भूमिका विचारधारा। प्रबंध की भूमिका विचारधारा इस शताब्दी के सातवें दशक की देन है। इस विचारधारा को प्रचारित करने का श्रेय मैकगिल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हेनरी मिजबर्ग को दिया जाता है। प्रोफेसर ने 5 प्रमुख प्रबंधकों की क्रियाओं का अध्ययन किया है। यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रबंध परंपरागत गणनीगत के आधार पर प्रबंध की कार्य नियोजन संगठन निर्देशन नियंत्रण नहीं करता, बल्कि उनके अनुसार अन्य विविध कार्यों को करते हैं। उन्होंने अपने तथा दूसरे शोध परिणामों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रबंध 10 भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं, जिसमें पहली है पारस्परिक संबंध वाली भूमिका। लोगों के बीच पारस्परिक या आपसी संबंध के कारण एक प्रबंध को निम्न प्रकार की भूमिका निभानी पड़ती है। दूसरी है सामूहिक भूमिका। सामूहिक भूमिका में सूचना या संदेशों का आदान प्रदान करने के दौरान एक प्रबंध को निम्न प्रकार की भूमिका निभानी पड़ती है, जैसे आंतरिक सूचनाओं अधीनस्थों की सूचना देना, संगठन के बाहरी सूचना देना की भूमिका। नेक्स्ट है निर्णयन भूमिका। प्रबंध की निम्नलिखित भूमिकाओं में निर्णय लेने का कार्य भी करता है, जैसे साहस की भूमिका, संकट आने पर संकट निपटने की भूमिका, संसाधन आवंटन करने की भूमिका, समझौता वार्तालाप की भूमिका। अब इसके मूल्यांकन में हम देखेंगे कि प्रोफेसर ने प्रबंध की विभिन्न भूमिकाओं का अध्ययन किया है। उन्होंने प्रबंध को उन रूप में देखने का प्रयास किया है जो वे करता है, किंतु उस विचारधारा की अनेक आलोचना भी हुई है। वो इस प्रकार, उनका शोध एवं निष्कर्ष बहुत ही छोटे समूह पर आधारित है। छोटे समूह के आधार पर निष्कर्ष या सामान्यीकरण करना ठीक नहीं है। कुछ प्रबंधकों को अन्य कई गैर प्रबंध की भूमिका निर्वाह भी करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अंशधारियों को सभा संबोधित करना अति महत्वपूर्ण व्यापारी के अनुबंध को करने में आधिकारिक किए जाते हैं। इस विचारधारा की आलोचना इसी में भी होती है कि उन्होंने प्रबंध को कार्यों पर परंपरागत करणीकरण को अनुचित बताया। इसी जबकि इस विचारधारा में भी कई ऐसी भूमिकाएँ जिनमें नियोजन नेटवर्क निर्णय आदि के कार्य स्वतः सम्मिलित होते हैं। साहसी तथा संसाधनों के आवंटनकर्ता की भूमिका में वे नियोजन करता है, आपसी संबंधों के निर्वाह में वे नेतृत्व करता है। इस प्रकार सूचनाओं के आदान प्रदान में वह समन्वय एवं नियंत्रण के कार्य को भी करता है। इसी प्रकार प्रबंध को अपनी सभी भूमिका का निर्वहन में प्रबंध के परंपरागत कार्य को करने ही पड़ते हैं। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि प्रोफेसर ये विचारधारा की अधूरी विचारधारा है। इसके आधार पर संपूर्ण प्रबंध की वातावरण को समझना कठिन होगा। मैं सीमा गोथल गवर्नमेंट कॉलेज एंडमेंट, धन्यवाद।